बुजुर्गों से आज मैं वालदैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि आज के नौजवानों को आप समझें, आज के नौजवान को आप समझें। हमसे ये गलती हो रही है, हम नौजवान को समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस नौजवान को अपने जमाने का जवान समझते हैं, हम इस जवान को अपने जमाने का जवान समझते हैं। बल्कि मौलाए मुत्तकिया ने खुद फरमाया कि ये तुम्हारी औलाद है और ये आने वाली दौर की है, ये तुम्हारी औलाद है और ये आने वाली दौर की है। इसका जमाना अलग है, इसका दौर अलग है। लेकिन जब अपने बच्चे से बात करते हैं, जब हम अपने बच्चे से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं बेटा, आपको ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम्हें ये नहीं पता। जब हम अपने बच्चे से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं आपको ये नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये नहीं पता। ठीक है, आपकी सारी बातें, आपकी तजुर्बा, आपका एहतराम सब अपनी जगह, लेकिन ये किसी और जमाने का जवान है। ये जो नौजवान है, जो यंग लोग हैं, ये किसी और जमाने के जवान है। इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत, इसकी ख्वाहिश कुछ और है। आज वालिदैन बहुत सारे, आज माँ बाप बहुत सारे अपने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें वो माँ बाप उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उस तरीके से उन्हें समझा नहीं पा रहे, जिसकी वजह है कि आज जवान डिप्रेशन में। यह हकीकत है, जवान डिप्रेशन में शिकार है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, या मैं यूं सोचता हूँ। समझ ही नहीं आ रहा होता उसे। तो सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम, पहले यार ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम आप ये करें करें कि जवान को उसकी जवानी में उसकी शादी करा दिया। सबसे पहला पहला आप ये, उनकी जवानी में उनको शादी करा दिया। क्योंकि दुश्मन जो है, दुश्मन जो है पूरी कोशिश कर इनके नफ्स को खराब करा, दुश्मन पूरी कोशिश करके इनके नफ्स को खराब करा। तो पहला काम आप ये करें, इनकी जवानी में इनको शादी करा। क्योंकि इस जवान को कमाल पर पहुंचना है, इस जवान को अपनी जिंदगी को कामयाब करना है, इस जवान को अपने लाइफ को सक्सेस करना है, तो हर उस रास्ता को आप रोके, हर उस रास्ता को जो इसे तबाही वाली लेके जा रहा है, पहले आप उस रास्ता आता, आप उस रास्ता को पहले बंद करें जो इस जवान को तबाही की तरफ लेके जाए, और इस जवान से आप बात करें। जवान डिप्रेशन में क्यों होता है? जवान टेंशन में क्यों होता है? डिप्रेशन क्या है? अभी ये दुनिया की फितरत है, दुनिया की ये फितरत है, जरूरतों की, ख्वाहिश की, इंफॉर्मेशन की, चीजों की, ये दुनिया की फितरत है, हर चीज की जरूरत। अगर उसे नहीं हासिल होगा तो क्या वो उदास नहीं होगा? क्या वो परेशान नहीं होगा? और हम अपने बच्चे को खुद कहते हैं, बेटा आप तो बड़े होकर ये बनना है। हम खुद कहते हैं अपने बच्चे को, बेटा आपको बड़े होकर ये बनना है ना। अपने बच्चे को ये ना सिखाए कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, अपने बच्चे को ये ना सिखाए कि बेटा आपको बड़े होकर क्या बनना है, बल्कि अपने बच्चे को ये सिखाए कि बेटा आपको बड़े होकर खुश खुश से रहना चाहिए, आपको बड़े होकर खुश कैसे रहना, बेटा ये सीखिए। बेटा आप कुछ भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप आलिम बनो, डॉक्टर बनो, आप ऑफिसर्स बनो, आप इंजीनियर बनो, आप कुछ भी बनो बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, बेटा आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए, बेटा आपके वजूद से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बच्चे के साथ गुफ्तगू करें, उसे ये समझाए कि आपका किरदार से खुशबू आनी चाहिए, आपका अखलाक इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपसे मिलकर खुश हो जाए, आपके वजूद से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सिखाए बेटा, उसे ये उसके साथ ये गुफ्तगू करे, जवान को बाहर निकाले,
जवान नशा क्यों कर रहा है? जवान आज नशा क्यों कर रहा है? नशा क्या है? नशा सुकून देता है। नशा सुकून देता है। किसको सुकून देता है? दिमाग को सुकून देता है। कैसा सुकून देता है? शून्य कर देता है। दिमाग को शून्य कर देता है। उसे पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। उसे खबर ही नहीं होती कि वो किधर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चलता उसे। यानी हकीकत को उसके आगे छिपा देता है। जवान जो नशा करता है, सुकून में रहता है, हकीकत को उसके आगे छिपा छिपा तो वो सुकून में रहता है। तो क्यों वो उस हकीकत से परेशान है? वो क्यों उस हकीकत से तंग है जो उसके अंदर है, जो उसके पास है? जवान क्यों उस हकीकत से तंग हो गया है, परेशान हो गया है? जब आप अपने बच्चे के साथ, अपने जवान के साथ किरदार को अच्छा रखेंगे, जब अपने जवानों को, अपने बच्चे को समझेंगे, उसके एहसास को आप महसूस करेंगे, जब उसके साथ अपने रवैये को अच्छे रखेंगे, तो वो कोई नशा नहीं करेगा, वो कभी नशा नहीं करेगा। अपनी दोस्त अहबाब के साथ उस मकाम पर चला भी गया, नशा के मकाम, उस नशा की जगह पे अगर वो पहुंच भी गया, तो उस वक्त वक्त उसे याद आएगी, उस वक्त आपकी रवैया उसे याद आएगा, उस वक्त आपकी मोहब्बत उसे याद आएगी कि मेरा बाप मेरे साथ बहुत खूबसूरत रवैया, मेरा बाप मुझे समझता है, मेरा बाप मुझे महसूस करता है, मेरे परेशानी को, मेरे प्रॉब्लम को मेरा बाप समझता है। उसी वक्त से वो लात मार कर आपके पास आ जाएगी, वो आपकी अखलाक, आपकी किरदार, आपकी वफाई उसे खींच कर आपके पास ले आएगा। और ये कब होगा? जब अपने बच्चे के साथ उसकी जो साथ जो रवैया होनी चाहिए वो आप कायम करेंगे, तब अपने जवानों को समझेंगे, तब तब उसके साथ आप रवैया अच्छा रखें, उसको आप समझे। ये जो दुनिया जो आ गई है, जरूरतों की है, ख्वाहिशात की है, जो उसे टेंशन मिला दिया, डिप्रेशन आ गया उसके दिमाग में, तो जब आप उसके साथ बात करेंगे, ये गुफ्तगू करेंगे, तो कभी नशा नहीं करेगा। और ये तब होगा जब आप उसकी अखलाक, उसकी फीलिंग्स, उसके एहसास को आप समझेंगे। अगर जवान को चाहते कि वो नशा ना करे, वो महफूज रहे, उसका किरदार अच्छा रहे, उसकी अखलाक में खूबसूरती रहे, उसके साथ आपके रवैया अच्छा होना चाहिए, उसके साथ आपका जो सलूक है वो खूबसूरत होने चाहिए। उसको नशा से बचाए जवान को, लज्जत खुदा और इबादत खुदा में मुलव्वस करे उसे। और ये तब होगा जब हम खुद इबादत करेंगे, ये तब होगा जब हम खुद मालिक की तकलीफ पर हाजिर होंगे, जब जब ये तब होगा जब हम खुद अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करेंगे, तभी तो ये इबादत करेगा, तभी तो ये सजदा रेजी करेगा। वो बच्चा सारी जिंदगी ये देखता आ रहा हो, सारी जिंदगी ये देखता आ रहा हो कि मेरा बाप हर रोज फजर से पहले, हर रोज रोज सारी जिंदगी ये देखता आ रहा हो कि मेरा बाप हर रोज फजर से पहले ये उठ जाता है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर सजदा रेजी करता है, तो क्या उसके दिल में, क्या उसके दिमाग में ये एहसास नहीं जगेगा? क्या उसके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आएगी? क्या उसका ये मन नहीं करेगा कि मैं भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करूं, मैं भी अल्लाह के हुजूर उसके तहलीस पर हाजिर होकर, उसके बातों को, उसके अहकाम पर चढ़कर उसके सजदा रेजी करूं, उसके हुजूर हाजिर होकर अपने आंखों से दुआ निकालूं? उसके अंदर एहसास नहीं पैदा होगा कि मैं कब बड़ा होकर तहज्जुद गुजार बनूंगा, मैं कब बड़ा होकर अल्लाह के हुजूर तहज्जुद के लिए हाजिर होगी हो। और ये तभी होगा जब आप खुद इबादत करेंगे, तभी तो आपके बच्चे इबादत करेगा, तभी तो आपके बच्चे इबादत करेगा।